बहकी सभी जुबां है। हेलो गाइस, राइट नाउ यू आर वाचिंग वैंडर हारिस। मैं हूँ हारिस खान। अभी मैं हूँ हावड़ा स्टेशन पे, स्टेशन कोड HWH। आज मैं हावड़ा से लेके चेन्नई तक ट्रैवल कर रहा हूँ ट्रेन में, चेन्नई मेल, जो कि हावड़ा से 23:55 में खुलते हैं। हम लोग को थर्ड डे चेन्नई पहुँचाती 3:15 में। आज मैं जिस कोच में ट्रैवल कर रहा हूँ वो A1 है, सीट नंबर 34 अपर बर्थ। तो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना बेस्ट पार्ट, और फिर चैनल में ना बेल आइकन भी टैप कर लेना, क्योंकि ना बहुत कम लोग बेल आइकन टैप करते हैं, मेरे पास नोटिफिकेशन दिखता है, तो बेल आइकन टैप करना मत बोलना। तो ठीक है, ट्रेन का जब डिपार्चर होता है तो आगे की अपडेट्स हम बताते हैं, क्योंकि जर्नी बहुत लंबा है तो बहुत टाइम मिलेगा हम लोग को। ये टोटल 1600 किलोमीटर का सफ़र है। हम हैं हजारों में। अभी टाइम हो रहा है 12:10 और हम लोग की ट्रेन हावड़ा स्टेशन से डिपार्ट कर रही है। ट्रेन हम लोग की अराउंड 15 मिनट की लेट के साथ हावड़ा स्टेशन से डिपार्ट कर रही है। देखते हैं लेट टू डिपार्चर हुआ, अराइवल राइट टाइम हो पाता है कि अराइवल भी लेट ही होती है। अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है। अभी टाइम हो रहा 1:48 और हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है खड़गपुर जंक्शन, स्टेशन कोड KRG। यहाँ हम लोग की ट्रेन 9 मिनट की डिलेट के साथ पहुंची है। यहाँ हम लोग की ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप है। अभी तक हम लोग टोटल डिस्टेंस 112 किलोमीटर का कवर कर चुके हैं, और मेरे कोच में सब लोग सो चुका है, सिर्फ हम ही जागे हुए। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है पावर कार के पास, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 है A2 के पास। तो ये डिफरेंस है खड़गपुर का, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1, ये प्लेटफॉर्म नंबर 3, और हम ये दोनों के बीच में। अभी टाइम हो रहा 1:53 और हम लोग की ट्रेन खड़गपुर से डिपार्ट कर रही। ट्रेन हम लोग की प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई थी, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 3 से डिपार्ट कर रही है। अभी मैं अपने कोच में आ गया हूँ, ट्रेन भी खड़गपुर से निकल चुकी है, सब लोग सो गया है तो हम भी सो जाते हैं। आज का डे ख़त्म करते हैं यहीं पे, मिलते हैं फिर भुवनेश्वर में कल सुबह 6:30। तो ठीक है, गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं फिर कल सुबह। आज सुबह ही मिल जाते कि 12 ऑलरेडी बज चुका है, मिलते हैं सुबह में। ओके बाय। तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है। तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है। हेलो गाइस, वेलकम टू डे 2 ऑफ चेन्नई में। अभी मैं भुवनेश्वर में स्टेशन कोड BBS। यहाँ हम लोग की ट्रेन टोटल 57 मिनट लेट हो जाए, 6:20 में ट्रेन में पहुँचने के टाइम पर 7:17 में पहुँचाइए। तो वो ठीक है, देखते हैं यहाँ से डिपार्चर, मतलब भुवनेश्वर से कितने बजे डिपार्ट करती है। ऐसे अभी तक ट्रेन तो लेट चल रही है, कवर कर पाती है कि और लेट होती है। अभी टाइम हो रहा है 7:24 और हम लोग की ट्रेन भुवनेश्वर स्टेशन से डिपार्ट कर रही है। ट्रेन का ऐसे तो 5 मिनट का स्टॉप था, लेकिन ट्रेन ज़्यादा रुक गई है।
अभी मैं ब्रेड कटलेट ले लिया हूँ ट्रेन पे, ये मुझे 50 का पड़ा। अभी हम लोग किधर खुदरा रोड नाम के स्टेशन पे रुकी हुई है। हम बहुत सारे स्टेशन कवर नहीं कर रहे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और दो पार्ट में वीडियो को डिवाइड नहीं करना चाह रहा क्योंकि उसमें ना ऑडियंस देखती नहीं है। चेक बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखे कि कभी कभी हो जाता है कि व्यूज़ में ऊपर नीचे, इसलिए चांस ले नहीं सकते हैं। तो ठीक है, इसको अनबॉक्स करते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको अनबॉक्स कर चुका हूँ। इसमें हम लोग को दो ब्रेड मिल जाते हैं और फिर दो कटलेट, साथ में टोमेटो सॉस का एक सैलड। और हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है नौपाडा जंक्शन। अभी हम लोग उड़ीसा में, हम लोग टोटल 709 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। ओ, ट्रेन हॉर्न दे दिया। ट्रेन का यहाँ से ऐसे 2 मिनट का स्टॉप था लेकिन ट्रेन 1 ही मिनट रुकी है। ट्रेन अपना लगता शायद जो है ना ये कवर कर रही है अपना लेट को। देखते हैं फिर ट्रेन कब तक पहुँचती है हम लोग को, विशाखापट्टनम कितने बजे तक पहुँचाती है, वहाँ पर लोको रिवर्सल भी होगा, हो सकेगा तो हम लोको रिवर्सल का दिखाएंगे भी। इधर गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ठीक है, नौपादा से हम डिपार्चर दिखाते हैं। तो अभी हम लोग है ना वेज थाली ले लिए है, ये मुझे 130 का पर अराउंड, ऐसे इसका प्राइसिंग 80 रुपीज़ है, लेकिन अब 50 रुपये के लिए हम अपना जर्नी ख़राब नहीं करना चाह रहे थे। ठीक है, अभी हम अनबॉक्स कर लिए अपना फूड, तो दिखाते हैं। सामने में राइस मिल जाता है, यहाँ पे भी राइस है, ये पनीर रहा, ये सामने में मिक्स वेज दाल पिकल, इसमें कोई भी स्वीट्स नहीं दिया गया है। स्विस्ट रहे ट्वीट कर दे, ऐसे बात करते अगर नहीं माने तो ट्वीट कर देते, क्योंकि हमेशा का हमेशा ये सीन नहीं होगा। अब मतलब अपना स्टैंड लेना होगा हम लोग को भी। तो ठीक है, अब इसका फूड ट्राई करके देखते हैं टेस्ट कैसा है। ये रहा पनीर का सब्ज़ी, अब पनीर का साइज़ दिखाते हैं। अब ये पनीर का साइज़ है, गिन के 5 या 6 पनीर है इस प्राइस रेंज में, 130 में बेच रहे हैं। बेकार फूड है, इसका पेंट्री कार्ड से लेना मत, अगर कोई भी लेना चाह रहे हो तो ऑनलाइन ऑर्डर कर देना, काफ़ी सही रहेगा वो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्जेस होगा लेकिन हाँ फूड अच्छा रहेगा। अभी टाइम हो रहा 1:24 और हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है बिजाना गरम। यहाँ हम लोग की ट्रेन अराउंड 25 मिनट्स लेट है। स्टेशन कोड VIZAG, तो यही है मतलब कि डिस्कवर्ड सो फार इज अराउंड 820 किलोमीटर्स फ्रॉम हावड़ा टू बिजाना गरम। एक छोटा सा अपडेट है कि बिजाना गरम का स्टेशन कोड VZM है। अभी हम लोग आंध्र प्रदेश इंटर कर चुके हैं, ये आंध्र प्रदेश का मेरा पहला स्टॉप है जो हम कवर कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्टॉप ही ऑलरेडी रुक चुके हैं लेकिन हम कवर नहीं करें, हम बहुत सारे स्टेशन कवर नहीं करेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। वीडियो ऑलरेडी लेंदी हो चुका है, जर्नी है बहुत बोरिंग है, बहुत ज़्यादा बोरिंग, अब तक का मेरा सबसे बोरिंग जर्नी है चेन्नई मिल के। इस ट्रेन को लेकर बहुत एक्सपेक्टेशन था लेकिन कुछ भी अभी तक पूरा नहीं हुआ मेरा, उसके बाद मेरा कोच भी बहुत पुराना है। तो देखते हैं अब यहाँ से डिपार्चर बिजाना गरम से। अभी टाइम हो रहा 1:28 और हम लोग की ट्रेन बिजाना गरम से डिपार्ट कर रही है। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है।
टाइम हो रहा 2:37 और हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है विशाखापट्टनम स्टेशन को BSKP। ट्रेन हम लोग की टोटल 57 मिनट लेट पहुंची है। ट्रेन जो 15 मिनट का लेट से जो डिपार्ट करी है हावड़ा से, तो लेट होती ही चली गई 57 मिनट। एक घंटा का जो एवरेज लेट लेके चल रही है, तो अभी भी लेके बरकरार है। अभी हम लोग का ट्रेन का यहाँ पे लोको रिवर्सल होगा, अब हम लोग इस रूट पे वापस जाएंगे। अब हम लोग मतलब कि इंजन से तीसरा बॉगी है, अभी बहुत पीछे थे, अब हम लोग बगल में आ गए, तो अब हो सकता है कि स्टेशन का अराइवल सही से मिले। अभी तक तो अराइवल सही से मिल नहीं पाता है, क्योंकि ना सबसे लास्ट बॉगी है कि आसपास है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर इसके डिपार्चर में। और हाँ, विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद के लिए वंदे भारत भी चलती है, जो कि बहुत जल्द हम कवर करेंगे। मैं ट्रेन नंबर 128 ट्रेन चेन्नई मेल का कोच कंपोजिशन बता देता हूँ। इसमें 9 3 AC की बॉगी है, 2 2nd AC का, 1 1st AC का, 5 sleeper class, 1 pantry car और 2 unreserved class के साथ ये ट्रेन WAP7 से हॉल्ट होती है। विशाखापट्टनम में हम लोग का 30 मिनट का स्टॉप है, शेड्यूल्ड है 30 मिनट का। डिफरेंस देखो, बगल में फर्स्ट क्लास यहाँ पे अनरिजर्व है कोच है, मतलब कि फर्स्ट क्लास में लोग के पास इतना जगह है कि आराम से सब लोग सो रहे हैं। यहाँ पे लोग के पास खड़े रहने का भी जगह नहीं है, क्या मतलब की कंडीशन है अभी अनरिजर्व क्लास का इंडिया में। बेंगलोर जाने वाली इसे लगभग सारी ट्रेन, साउथ जाने वाली सारी ट्रेन पर यही कंडीशन है, चाहे वो कहीं से भी जाए ईस्टर्न इंडिया में। नॉर्थ इंडिया का तो नॉलेज नहीं, लेकिन ईस्टर्न इंडिया में सारी ट्रेन का ये हाल है। डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम हावड़ा टू विशाखापट्टनम इज अराउंड 881 किलोमीटर। डिस्टेंस फ्रॉम विशाखापट्टनम टू चेन्नई सेंट्रल अराउंड 781 किलोमीटर। अभी तक हम लोग 50% से ज़्यादा जर्नी अपना कंप्लीट कर चुके हैं, अब थोड़ा सा अब 50% जर्नी लगभग बचा हुआ है। तो ठीक है, अभी तक निकल गए बोरिंग होते हुए, अब देखते हैं कुछ, अब असली साउथ इंडिया शुरू हुआ है, देखते हैं कुछ नया मिलता है देखने को कि नहीं मिलता है, सीनरी टिक सब। अभी तो ऐसे हम लोग के सामने विशाखापट्टनम के ठीक सामने एक बहुत ज़बरदस्त पहाड़ है, मतलब पहाड़ से दिख भी रहा था, हम वीडियो में दिखाई भी है। अभी टाइम हो रहा 2:59 और हम लोग की ट्रेन विशाखापट्टनम से डिपार्ट कर रही है प्लेटफॉर्म नंबर 5 से। तो ठीक है, डिपार्चर दिखाते हैं हम लोग की ट्रेन के। यहाँ हम लोग की ट्रेन का लोकोमोटिव भी चेंज हुआ है, पहले हम लोग इस साइड में जा रहे थे, अब हम लोग इस साइड में जा रहे हैं। ये हम लोग के पीछे पीछे आ रही थी शालीमार त्रिवेंद्रम, ये हम लोग का पीछा मतलब कोलकाता से ही छोड़ी नहीं है, अभी तक पीछा कर रही है तो कर रही है। और हम लोग के पीछे पीछे भुवनेश्वर बेंगलोर भी आ रही है, देखते हैं ओवरटेक हो पाता है कोई ट्रेन का कि नहीं कर पाती है अपनी। ये और उसके पीछे शालीमार त्रिवेंद्रम के पीछे शालीमार विशाखापट्टनम लगी हुई है। राइट नाउ वी आर इन ईस्टर्न कोस्टल रेलवे। ये जो सामने लाइन जा रही है ये हावड़ा की तरफ जा रही है, और हम लोग अभी साउथ की लाइन की तरफ छोड़ चुके हैं। यहाँ पर से ये सामने वाली लाइन हावड़ा की तरफ निकल गई और हम लोग साउथ की तरफ लेफ्ट टर्न लेते हुए। वेलकम टू साउथ इंडिया गाइस, अब हम लोग साउथ इंडिया की तरफ निकल चुके हैं। ये यहाँ से जो ट्रिप होगा ये पूरा अनएक्सप्लोर्ड रूट है मेरे लिए अभी, तो ठीक है देखते हैं साउथ इंडिया को हम कितने अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते हैं अपने कैमरा लेंस के ज़रिए। करेंट टाइम 3:15 PM, अब सिर्फ 12 आवर्स का जर्नी और बचा है, आधा जर्नी लगभग आधा से आधा जर्नी कंप्लीट कर चुकी है। अब 12 आवर्स का भी जर्नी कंप्लीट करके चेन्नई सेंट्रल में मिलते हैं, जो मिलते कि अभी व्लॉग बनाना है, मतलब कि अब 12 घंटे का जर्नी सिर्फ बचा है, वही बता रहे हैं। अभी हम लोग की ट्रेन को शालीमार त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस ओवरटेक करी रेगू पालम नाम के किसी स्टेशन पे। ट्रेन हम लोग की ऑलरेडी 30 मिनट से यहाँ पे रुकी हुई है, देखते हैं अब भुवनेश्वर
वाली भी ओवरटेक करती है कि अब हम लोग को क्लियरेंस मिलता है आगे निकलने के लिए। देखते हैं बताते हैं फिर क्या होता है। सो अभी टाइम मेरा 4:33 है, हम लोग की ट्रेन को डिपार्ट कर दिया गया है। देखते हैं आगे भी कोई ट्रेन ओवरटेक करती है हम लोग की ट्रेन, क्योंकि अब हम लोग की ट्रेन भी सुपर फास्ट ट्रेन कैसे चलेगी। हमें इस ट्रेन में अभी पैंट्री घर से वेज खाना भी मिल लिया था, अभी उसका हम लोग को बिल तो मिला नहीं। देखते उसका भी क्या सीन होता है, उसके बताते हैं। अभी हम लोग की ट्रेन से 1:07 की डिलेट के साथ चल रही है। आगे की अपडेट्स बताते हैं नेक्स्ट स्टॉप। अभी टाइम हो रहा 4:45 और हम पनीर पकौड़ा ले लिए हैं। ये मुझे अराउंड 50 का पड़ा, तो ठीक है इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। 50 में मुझे 5 पनीर पकौड़ा मिलता है और एक टोमेटो केचप का सैचेट। 50 के अकॉर्डिंग तो थोड़ा सा प्राइस हाई है। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए हम ना। अभी टाइम रहा 6:23 और हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है राजमंड्री स्टेशन, कोड RJY। हम लोग की ट्रेन टोटल 1 hour 10 minutes की डिलेट के साथ राजमंड्री में पहुंची। अभी हम लोग आंध्र प्रदेश में है, ट्रेन तो अपना कवर नहीं कर पा रही है, लेकिन देखते हैं कितना लेट होती है, हम लोग को चेन्नई राइट टाइम पहुँचा पाती है कि नहीं। अभी टाइम हो रहा 6:24 और हम लोग की ट्रेन राजमंड्री से डिपार्ट कर रही है। अभी हम लोग रिवर गोदावरी क्रॉस करने वाले, तो ठीक है रिवर गोदावरी का नाइट का सीन दिखाते हैं। अभी टाइम हो रहा 7:53 और हम लोग की ट्रेन एल्लोरू जंक्शन पे आ गई है, स्टेशन कोड EE। ट्रेन हम लोग की टोटल 1 hour 30 minutes लेट है। अभी तक हम लोग 1171 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, 490 किलोमीटर्स का डिस्टेंस और बचा है हम लोग का चेन्नई तक में। हम लोग की ट्रेन का 2 minutes का स्टॉप है एल्लोरू पे। अभी तक हम लोग को बस एक ही ट्रेन ओवरटेक करी, उसके बाद अभी तक तो कोई ओवरटेक करी नहीं है। देखते हैं कोई ओवरटेक हो पाता है या फिर ये किस वापस उसको ओवरटेक कर पाती है कि नहीं। अच्छा हॉर्न दे दिया, खुलने वाली है ट्रेन। अभी टाइम हो रहा है 7:55 और हम लोग की ट्रेन एल्लोरू से डिपार्ट कर रही है। हम लोग की ट्रेन पहुंच चुके हैं विजय भारत जंक्शन, स्टेशन कोड BZA। अब हम लोग सेंट्रल साउथ इंडिया में आ चुके हैं, मतलब यहाँ ये जो है ये सब मेन साउथ इंडियन है। अभी से ही साउथ इंडियन का शुरुआत हो चुका है, मेन जो साउथ इंडियन है। और हाँ, हम लोग की ट्रेन यहाँ 1 hour 6 minutes की डिलेट के साथ पहुँचाई है। ट्रेन में अब है ना इतना स्लैक है ट्रेन के पास कि ट्रेन ना लेट, अगर 2 hours भी लेट होगी ना तो राइट टाइम पहुँचा देगी, स्लैक बहुत है ट्रेन के पास। तो मिलते हैं फिर, देखते हैं यहाँ से अगर हमको मसाला डोसा या फिर यहाँ का जो ऑथेंटिक टेस्ट साउथ का अगर डोसा भी मिल गया तो हम डोसा लेंगे। हमें ना पैंट्री कार से फूड ऑर्डर नहीं करेंगे, बहुत गंदा टेस्ट था। विजय वारा में हम लोग की ट्रेन का 5 minutes का स्टॉप है शेड्यूल्ड हॉल्ट, देखते हैं आज कितना देर रुकती है ये, क्योंकि ऑलरेडी ये लेट है अभी फिलहाल। इस कोच का मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड 160 है, लेकिन 130 भी रिस्ट्रिक्ट है। की ट्रैक्स उतने अच्छे अभी है नहीं कि वो 160 किलोमीटर को एडजस्ट कर सके। सिर्फ न्यू दिल्ली आगरा ट्रैक जो है, मेन लाइन जो है, वो बस है ना 160 को एडजस्ट करती गतिमान एक्सप्रेस। यहाँ पे डिपार्चर टाइम तो 9:05 का दिखा रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा हो गया है, 9:07 हो गया, लेकिन अभी तक ट्रेन डिपार्ट नहीं करी है। जैसे बोले कि 9:07 हो गया, ट्रेन कितना देर में खुलेगी, वैसे ही ट्रेन खुल गई। तो ठीक है 9:07 में हम लोग की ट्रेन खुल चुकी है विजयवाड़ा से। मिलते हैं विजयवाड़ा फिर कभी, बहुत जल्द मिलने वाले हैं। रिटर्निंग है टाइम, वापस रिटर्न तो इसी रास्ते से होना है। ये हम लोग के सामने विजयवाड़ा इलेक्ट्रिक लोको साइड है।
WAP4 दिख नहीं रहा होगा ब्लैक, पूरा कवर WAP7 है, दोनों अंदर में पीछे में भी WAP7 है, इसके पीछे WAP4 है। अभी हम लोग पहुँचे ऑनगोल जंक्शन स्टेशन कोड OGL। ट्रेन हम लोग की 1 आवर 21 मिनट की डिलेट के साथ हम लोग को ऑनगोल पहुँचाई है। हम लोग की ट्रेन का 1 मिनट का स्टॉप है, ये लास्ट स्टेशन है जो हम कवर कर रहे हैं चेन्नई से पहले, इसके बाद सीधा हम लोग चेन्नई में मिलेंगे। टोटल डिस्टेंस कवर्ड सो फार इज अराउंड 1370 किलोमीटर्स। तो ठीक है, अब डिपार्चर दिखाते हैं, ऑनगोल से अराइवल दिखा नहीं पाए क्योंकि गेट पे बहुत सारे लोग खड़े थे। तो मिलते हैं फिर चेन्नई सेंट्रल में। अभी टाइम हो रहा 3:30 और हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है चेन्नई सेंट्रल। स्टेशन कोड MGS। अराइवल नहीं दिखा सकी चेन्नई का क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था गेट के पास। ट्रेन जो 15 मिनट के डिले के साथ जो चल रही थी वो डिले बरकरार रखी अपने लास्ट स्टॉप तक। और उसके बाद तो सर्विस का बात किया जाए तो सर्विस बहुत ख़राब है इस ट्रेन को, बहुत ख़राब सर्विस है। सर्विस के मीन में तो तुम लोग कोई ट्रेन को नहीं चेक कर सकते हैं। और फिर एट द लास्ट इलेक्ट सब लोग टिप मांगने भी आते हैं जबकि सर्विस कुछ नहीं, लेकिन टिप सबको चाहिए, क्या कर सकते हैं। मेरा तो यही ओपिनियन रहेगा कि ये ट्रेन को जितना ज़्यादा इग्नोर कर सको उतना सही है। तो ठीक है, ये रहा अपडेट्स, तो मिलते हैं फिर किसी जल्दी में। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना हारिस का 246। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर देना। ओके बाय। SCG.